शिफाली है और फिर मैं ऐसे बोलूँ, मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी आईडी बना सकते हो, जॉब सर्च कर सकते हो। पहले तो ये होता था, अब पॉसिबल ही नहीं है कि हम बहुत सारी कंपनीज में, मतलब किसी और शहर जाना पड़ेगा हमें अपने रिज्यूम लेके घूमें और फिर हर जगह अप्लाई करें। तो आजकल बहुत बहुत सारे ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको बहुत सारी कंपनियां एक साथ मिल जाएंगी। मतलब अगर आप आईटी फील्ड से हो या फिर आप बीकॉम वाले हो या फिर आप बीए वाले हो, आपको हर एक बैकग्राउंड की वहां पर कंपनी आपको मिल जाएंगी जहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। तो इससे आपको हर शहर जाके, हर कंपनीज में जाके अप्लाई नहीं करना पड़ेगा और वहां पर आप अपनी आईडी बना सकते हो। कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे भी होते हैं जो प्रिपरेशन करवाते हैं, मतलब एक ग्रेट लर्निंग करके प्लेटफॉर्म है जहां पर आप ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म में होता क्या है, अपनी आईडी बनाते हो, उसके बाद आप वहां पर अप्लाई करते हो। अगर आप फेल होते हो उसमें तो आपको उस कोर्स के बहुत सारे, जैसे मैं इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ, अगर मैं फेल होती हूँ तो मुझे पाइथन लैंग्वेज, सी लैंग्वेज, बहुत सारे कोर्स मिलते हैं। पहले मैं वहां से प्रिपेयर करूंगी, उसके बाद मैं वहीं पर इंटरव्यू दूंगी। और इन चांस अगर मैं वापस फेल होती हूँ तो 3 डेज के अंदर फिर मेरा वापस से इंटरव्यू होगा। तो मतलब ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप जॉब भी सर्च कर सकते हो और उसकी प्रिपरेशन भी वहीं से कर सकते हो। और ऐसी हजारों कंपनियां उस एक प्लेटफॉर्म में होती है, जैसे Naukri.com है, ग्रेट लर्निंग है, इंडीड है। और हाँ, अगर किसी बच्चे को जॉब नहीं चाहिए, इंटर्नशिप करनी है, तो वो वहां से इंटरशाला और कोशेरा, ऐसे करके बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ से आप इंटर्नशिप ले सकते हो और जॉब सर्च करते हो। सबसे पहले 3 राउंड होते हैं, सबसे पहले तो जीटी राउंड या फिर जीटी राउंड इंटरव्यू राउंड होता है। उसके बाद पहले तो एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह होता है, रिटर्न टेस्ट, जिसमें आप अगर फेल होते हो तो बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो आप वहां से कर सकते हो या फिर आप बाहर से भी सीख सकते हो, जैसे यूट्यूब और भी बहुत सारी जगह वेबसाइट्स होती हैं, कोई सी आईटी की V3 स्कूल्स बहुत जहां से सर पढ़ाते हैं वहां से, तो मतलब W3 स्कूल्स, तो वहां से आप बहुत सारे नोट्स ले सकते हो, कर सकते हो, उसके बाद अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया।